नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश शर्मा, आप देख रहे हैं टेक्नो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की एक और नई सेल के बारे में। उसको आप कह सकते हैं बिग बिलियन डे सेल इज बैक, क्योंकि इस सेल का नाम दिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से फेस्टिव धमाका सेल। फ्लिपकार्ट हमेशा से ऐसे करता है, जैसे कोई पुरानी अच्छी सेल लाता है और उसके बाद में जो नई सेल उसकी आती है उसका डिफरेंट नाम रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेल के बारे में बात करने वाले हैं, कौन से डील्स इसमें, आपको इस सेल में कौन कौन सी डील कंसीडर करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट की जो फेस्टिव धमाका सेल है वो चलने वाली 24 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक की तरफ से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये इंस्टेंट डिस्काउंट ईएमआई पर भी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप बजट फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर आपका रेंज 10,000 है, 15,000 है, मैं इस वीडियो में आपको सारी डील्स के बारे में बता देता हूं आपको। आप सबसे पहले वेब पेज पे एक नज़र मार लें कि आपको कौन कौन सी डील्स देखने को मिल रही हैं फ्लिपकार्ट के फेस्टिव धमाका सेल या फिर बिग बिलियन डे सेल के अंदर। सबसे पहले हम चालू करते हैं बजट स्मार्टफोन से। 5,000 रुपीज़ में आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 2 फ़ोन देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली सेल अगर नहीं होती है तो उसकी प्राइस 6,000 रुपीज़ है। अंडर 5,000 ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, इन्फिनिक्स की तरफ से बहुत अच्छा क्वालिटी का फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 6,000 to 8,000 के बीच में आपको कौन कौन से फ़ोन देखने को मिलते हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला रियलमी की तरफ से C1, अगर आपका बजट 7,000 है, और अगर आप चाहें तो एसो जेन फोन मैक्स M1 आप कंसिडर कर सकते हैं, उसकी प्राइस 7,500 है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप एसो जेन फोन मैक्स M1 कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू रियलमी C1 से, क्योंकि उसमें बैटरी भी अच्छी पिकअप है और आपको रैम भी ज़्यादा देखने को मिलती है एंड प्रोसेसर भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, उसी के साथ में स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर ले तो 10,000 के बजट 8 से 12,000 के बजट में हम बात करें तो आपको दो बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो रियलमी 2, उसके अलावा एसो जेन फोन मैक्स M1। इसके अलावा आप नोकिया 5.1 को भी कंसिडर कर सकते हैं। रियलमी 2 आपको 9,000 की कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा और एसो जेन फोन मैक्स M1 जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्नैपड्रैगन 636 के साथ में आता है, उसकी प्राइस नॉर्मली विदाउट सेल में 11,000 रुपीज़ रहती है, पर सेल के अंदर वो आपको 10,000 रुपीज़ में देखने को मिलता है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको 10,500 में अच्छी क्वालिटी का ड्यूल रियर कैमरा देखने को चाहिए और ग्लास बैक और फ्रंट में भी ग्लास चाहिए और आपको स्टॉक एंड्रॉइड का मज़ा लेना है तो आप नोकिया 5.1 प्लस को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टॉप एंड फोन्स के बारे में, जिनकी प्राइस रेंज आप 12,000 से लेकर 20,000 के बीच बोल सकते हैं। वहाँ पे आपको एक Realme 2 Pro जिसपे कोई डील नहीं है, वो ऑलरेडी 14,000 का मिलता है विदाउट सेल, अभी भी आपको 14,000 का ही मिलेगा, पर यहाँ पे आपको बैंक ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं जिससे आपको फ़ोन की कॉस्ट कम पड़ सकती है। इसके अलावा जितने भी फ़ोन इस सेल में जो आ रहे हैं, जैसे कि बिग बिलियन डे सेल में हुआ था कि 99 रुपीज़ में कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन के साथ में आपको फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, उसमें आपको फ़ोन्स के ऊपर कंप्लीट प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। आपका फ़ोन गिर जाए, टूट जाए या किसी पानी में गिर गया या खो गया तो फ्लिपकार्ट उसे रिपेयर करके देगा अपनी तरफ से, तो आप 99 रुपीज़ का मोबाइल प्रोटेक्शन भी ज़रूर बाय कर लें, क्योंकि 100 रुपीज़ किसी फ़ोन के हिसाब से बाय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा और 15,000 के रेंज में जो डील आ रही है वो आ रही है ओप्पो S9 की। ये भी एक अच्छा फ़ोन है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर आप एक पावरफुल फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे अभी 20,000 की रेंज में इतना कोई खास अच्छा फ़ोन अवेलेबल है नहीं। अगर आप अपनी रेंज इंप्रूव करेंगे 25 से 30,000 के बीच में तो आप एसो जेन फोन 5G ले सकते हैं, जो कि स्नैपड्रैगन 845 के साथ में आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर और कैमरा के साथ में है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो डील्स आपको पसंद है आप उसे विशलिस्ट में ऐड करके रखें और उसकी प्राइस को डाउन करके रखें, जिससे आप आसानी से सेल में पता कर सकें कि आपकी जो डील आपने चाहते हैं कि इस डील की प्राइस कम हुई है या नहीं, वो आप सेल में जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक आपको ओवर द आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करेंगे तो साइड में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।